बैठो, अच्छा बैठ जाइए आप। जिस धरती को हमारे गुरुजी श्री शिवव्रत यादव, स्वर्गीय शिवव्रत यादव के नाम से जाना जाता है, आज यहां बहुत से साथी हैं जिनका निवेदन रहा है, आग्रह रहा कि आप भी गाइए, हम जरूर गाएंगे, आए हैं तो। लेकिन ये जो कलाकार आए हैं हम ही पहले गा देते तो कलाकारों का मनोबल गिर जाएगा, इसलिए हम इनको बैठ के सुन रहे हैं। और आप लोगों से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग भी कलाकारों को सुने, रोज गावल जला अमन घूम घूम आज अमन के सुने का मौका मिल रहा। इसमें पता चलता है कुछ लोग ऐसा हुआ कि गौला उनका काम है, यह कोई मतलब नहीं है। एक दिन जिस दिन पुण्यतिथि है, हम गुरु को याद करते हैं, उस दिन गुरु के लिए जितना हो सके हम वक्त दें, यही हमारी असली पूजा है। और इस क्षेत्र की जनता को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आप लोगों ने कलाकारों को, कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त भी कर रहे हैं, इनको झेल भी रहे हैं, इनका आनंद भी ले रहे हैं। इस बात की खुशी है, अभी अभी किसी साथी ने मुझे ख्याल नहीं है कहा कि बिरहा को जिन्होंने आयाम दे दिया, नहीं नहीं हम लोग तो एक माली है, इसको सींच रहे हैं, इसमें क्यों पानी डालत पाए, क्यों खाद डालत पाए, बिरहा रूपी बगीचा में क्यों पानी डालत बा, क्यों खाद डालत बा, क्यों के उलट पलट के जोतत बा, इके तैयार कर रहा बा, हमार का क्वालिटी ही हो, ये संगे हमन तैयार करके सोचे जला के तुरंत बीज उत्पन्न हो जाए, कुछ नई चीज समाज में चल जाए। समाज का रुआ हमेशा सतयुग से लेके और त्रेता द्वापर कलयुग तक किसी लाइन चाहे जो भी नहीं हो, एक समाज का अगुआ हमेशा ऊपर वाले ने पैदा किया है जो आगे चलता है। कल किसी और का था, आज हमारा है और कल किसी और का हो जाएगा, यही दस्तूर है। वरीयता मिलना बड़ी आसान है, किसी को बड़ा बना देना बड़ा आसान है, लेकिन दिल हिलता है, पैर भी हिलता है, कभी कभी तो कलेजा भी हिल जाता है कि लोगों ने नवाज दिया है, बड़ा बना दिया है। तो हे परमपिता परमेश्वर, धरती पर जब तक सांस चल रही है, इस बड़कपन को अपने चरणों में रखना, कहीं मुझे अहंकार न हो जाए और अपने से किसी छोटे कलाकार का मुझसे अपमान न हो जाए। इसलिए सम्मान करने के लिए मैं बैठा हूं, हमारा भाई सुरेंद्र यादव बागी बलिया से चल के आके बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। किस महत्ता को हम लोग समझते हैं, अपनी रोजी रोटी रोजमर्रा के लिए हम रोज गाते हैं, लेकिन बिरहा के लिए भी हमें गाना होगा। बिरहा कैसे बचेगी, बिरहा कैसे लोग बैठ के सुनेंगे, बिरहा कब तक चलेगी? कुछ लोगों ने भविष्यवाणी किया था, राम बुल्लू पारस सिमरत जैसे कलाकार जब चले गए तो अब बिरहा में क्या बचा। लेकिन आप लोगों ने बिरहा में ऐसे ऐसे कलाकार दे दिया कि बिरहा फिर से जाकर के सिनेमा के पर्दा और टेलीविजन पर खड़ी हो गई। अब हमारो तो नया जन्म भयल खत्म ही रह गया, 160 के ईस्वी में लड़ा था मैं, और उस दिन का मंदिर आपको इसी तरह बता दे रहा सुरेंद्र भाई, गाड़ी लड़ी 107 के ईस्वी में और जब ही मुड़ी रेलिंग के तरफ, जब ही मैं समझ गया कि अब काम खत्म है, आखिरी बार धरती और आसमान को ऐसे देखा और ऐसे किया कि बहुत नाम कर लिया है, बहुत कमा लिया है, मन में यही बात आया कि चलो अब दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मंजूर नहीं था, ऊपर वाले ने कहा कि लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है, अभी और कुछ करना है, इसलिए साफ साफ बच करके आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा एक्सीडेंट
नहीं, गाड़ी को मना कर दिया कंपनी वाले ने कि नहीं बन सकती, मैंने दूसरी गाड़ी खरीदा फॉर्च्यूनर, कहा बनी नहीं सकती। तो जिस गाड़ी में मैं बैठा था एक हड्डी भी क्लिक नहीं हुई, ये आपकी दुआ नहीं तो और है क्या। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, कार्यक्रम जब तक चले आप ही हमारे श्रृंगार हैं, जैसे एक सुहागिन का सिंगार सिंदूर है वैसे कलाकारों के सिंगार आप सिंदूर है। प्रिया जिसको चाहे सुहागन बना दे, प्रिया जिसको चाहे सुहागन वही है, इसका अर्थ कई जगह लगता है सुरेंद्र भाई, एक प्रिया, प्रिया जिसको चाहे सुहागन वही है, एक प्रिया ये भी है, यही प्रिया जिसको चाहे गवैया वही है। गुरु जी महान है, आप लोग बैठे रहेंगे और हमें उम्मीद है चिरौनी की जरूरत भी ना जानी, जब तक हम बैठे हैं सब बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और गाना होगा बजाना होगा, बीच बीच में थोड़ा झटका उटका भी होगा जानी। ये देखो लड़की बंगाल से आई है, की खबर भालो अच्छे तो कथा करो हम कचे हम कहा कर ली तो आर कहा हाल चाल बा आमार खबर भालो अच्छे भालो अच्छे अपना हमें तो खूब बहुत दो चलो कुछ गान करो एक कुछ भालो लाचे ना कुछ गान करो कुछ डांस के साथ अनेक रात्रि है गाचे ना सीता सावरी एक दुखद खबर अत्यंत दुखद। ये बच्ची बहुत बढ़िया गा रही थी इसीलिए हरा गया गुरु दरबार से, ये गा के इतना निकल रही थी इसकी मम्मी साहब खाना भी खा रही थी बच्ची, मोबाइल किसी के हाथ लगा हो तो गुरु दरबार में है बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, वो मोबाइल ला करके हाथ दे दीजिए जिसके हाथ हो। घंटे जात हम गावत अब ना, तो मोबाइल जिसके पास हाथ लगा हो प्लीज 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 आप मंच पे हाँ हमारे यहां ला के दे दीजिए, जिसके हाथ लगा हो मोबाइल दे दीजिए, दे दीजिए अच्छा होगा, अरे तो हम जो कही लगता हूं ना होना देखे तो हम पूजा उजा करते भाई जिसके हाथ लगाओ दे दो नहीं दोगे तो अनिष्ट होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, कहा कि तुम्हारी भी मुझे चिंता है, जिसके पास मोबाइल लिया के हाथ दे दो। धन्यवाद।